स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? 3 बज चुके हैं, मैम आ चुकी हैं, भाई रजनी, धर्मेंद्र, ज्योति, सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। हां जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका, भाई सारे बच्चे, जो जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी आ जाइए। हां जी रजनी, हेलो टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राम राम, प्रणाम, राधे राधे, भाई सबको सबको गुड आफ्टरनून है। और अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भगवत, रजनी, प्रियंका, धर्मेंद्र, चलो भाई तो सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने, और अब आगे बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ और देखेंगे आज के प्रश्नों को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रश्नों का लेवल आज अच्छा है, थोड़ा धैर्य पूर्वक जवाब दीजिएगा, ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है माधुरी, बहुत ध्यान से उत्तर करना है, ठीक है। अखिल गुड आफ्टरनून बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, और अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो बच्चों आप सबका एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे मैं सतप्रीत कौर शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ जो कि बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, ठीक है, और नए प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, अच्छे से उत्तर दीजिएगा, नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने है, कह रहा है साइटोफिलस ओराइजी किसको कहते हैं। चलिए नाम सुना है इसका, चार ऑप्शन है आपके सामने, खापड़ा बीटल, गोबर बीटल, दाल बीटल या चावल बीटल, बता दीजिए किसको कहते हैं। सोराइजी, आपको पता है सोराइजी, ओराइजी यहां पे है, सोराइजी भी एक वर्ड होता है। चलिए जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि क्या होगा, सारे ही बच्चे जल्दी से उत्तर दे दे कि क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिक नेम है साइटोफिलस ओराइजी, ये तो सीधे सीधे साइंटिफिक नेम है। ओराइजी जो होता है ये यहां से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी वेराइटी कहलाता है। भगवत वेरी नाइस, सिर्फ भगवत ने उत्तर दिया है, रजनी वेरी नाइस, मिक्स क्वेश्चन है ज्योति, मिक्स क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल बढ़िया वाला है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़िया वाला है। तो चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए ये आपका मिक्स क्वेश्चन कहलाएगा। और अब आपने उत्तर दिया है फोर्थ, सिर्फ रजनी, भगवत और प्रियंका ने दिया, बिल्कुल सही बात है, राइस बीटल, ये ओराइजा सटाइवा, वैसे भी चावल का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, तो यानी कि ओराइजा से आप संबंधित कर सकते हैं। बोल रहा है स्तनधारियों का युग किसे कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स, मैमल्स जो कि हम लोग कहलाते हैं, बताइए स्तनधारियों का युग किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए किसको कहेंगे, सारे बच्चे बता दें कि इसको हम किसको कहते हैं। बहुत सारे युग होते हैं, अजोइक, पेलियोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक, सबका अपना युग का टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है, और उसके अलावा युग के प्रारंभ होने का समय भी होता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि भाई कौन सा ऐसा पीरियड है जो हमारा स्तनधारियों का एज बोला जाता है या स्तनधारियों का युग बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी करके इनके पीरियड्स होते हैं, तो टर्शरी में आता है वो, टर्शरी में आएगा। चलिए बताइए टर्शरी में कौन सा पीरियड आएगा, अभी आप गलत बोल रहे हैं ज्योति, इट्स रॉन्ग, मीजोजोइक नहीं है, एक बार फिर से सोचिए, मीजोजोइक नहीं है, कृष्णा, रागिनी, ज्योति, मीजोजोइक नहीं है, चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से। मीजोजोइक जो कि आपको पता है जुरैसिक से संबंधित होगा, द्वितीयक पीरियड श्रेणी का है ये, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि जो इसका पीरियड है वो टर्शरी है और ये संबंधित है तुम्हारे किस पीरियड से, ये संबंधित है सीनोजोइक एरिया से, ठीक है, जो आपका एरा है सीनोजोइक उससे संबंधित है, ठीक है। एक बार जरा सेशन को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सेशन को लाइक करिए जल्दी से, ठीक है। देखिए आजोइक की बात करें, अगर हम आजोइक की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा, अगर आपने आजोइक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें प्री कैम्ब्रियन आते हैं, प्री कैम्ब्रियन आते हैं, ठीक है, समझे, ये इसका युग कहलाता है,
पेलियोजोइक में आपको पता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही आपका सीनोजोइक होता है तो वो आपका डिफरेंट कहलाएगा, वो दूसरा एरा कहलाता है, जिसमें आपको पता है सीनोजोइक में आपके मायोसीन प्लायोसीन कर का युग माना जाता है। पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर बताया कि नया जीवन सबसे पहले, क्या नया जीवन पहले से उपस्थित, जीवन से आता है, लाइट चमकती है इधर से जिस वजह से दिखता नहीं है, बता दीजिए किसने कही थी ये बात कि हु एक्सपेरिमेंटली प्रपोज दैट लाइफ कुड अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। चलिए बता दीजिए, जल्दी से बताइए। और ये बताइए जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है। कौन कहलाता है जीव विज्ञान का पिता? ध्यान से ज्योति, ध्यान से उत्तर दो। किसने किया था? नया जीवन की बात की जा रही है। ध्यान से देखिए दीजिए, आपको पता है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं, है ना। जो भी डिवीजन हुआ प्लांट एनिमल सब इन्हीं के काल में हुआ। डार्विन होंगे नहीं, इनका काम इवोल्यूशन से संबंधित है, इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। अरस्तु पिता हो गए जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। विर्चो ने कहा था ओमनिस ई सेलुला, ई सेलुला वो संबंधित है तुम्हारी किससे, ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इन्होंने कहा था। तो ये भी यहाँ पे नहीं है, रेडी करके है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया था कि नया जीवन पहले में उपस्थित जीवन से आता है, ठीक है। प्रश्न में अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, सेल के बारे में। विर्चो वाला सेल थ्योरी नहीं पूछ रहा है, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का प्रश्न ऐसा आता रहता है। बोल रहा है बायोलैनिटिक नियम किसने दिया, बायोजेनेटिक, बायो बायोजेनेटिक जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया, बायोजेनेटिक, यहाँ पे जय कर लीजिए, लय नहीं होगा, बायोजेनेटिक नियम होगा किसके द्वारा दिया गया है, पुरकिंजे, चेरको, स्पेंसर्ट या हैकल। जल्दी से बताइए, हैकल है, विर्चो है या पुरकिंजे है, ये स्पेंसर है, ये विर्चो है, ठीक है। चलिए बता दीजिए, पहली बार सुना है, अच्छा है ज्योति, अब आपको याद रहेगा ये, ठीक है। किसने बायोजेनिक नियम प्रतिपादित किया था? एक सिद्धांत होता है रिकैप्चुलेशन, वो इसी के नाम से जाना जाता है। धर्मेंद्र, अच्छा धर्मेंद्र बोल रहे हैं ईवी हैकल। चलो और सब लोग उत्तर दे दीजिए। ये जो हैकल साहब हैं, इन्होंने तो डार्विन के काम की भी बहुत वाहवाई की थी, है ना, इन्होंने डार्विन के काम की भी बहुत वाहवाई की थी, बहुत बढ़ावा दिया था, बहुत लोकप्रिय बनाया था। चलिए बताइए कि क्या होगा, हु प्रपोज्ड दिस। क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई। चलिए बताइए, हाँ वेरी गुड, नमस्ते, कौन आया है भाई, रीना आई है, थोड़ा कमेंट बड़े कर दीजिए। क्या होगा, चंद्रमणि, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे अगर आप नाम पे जाएंगे ना, विर्चो हो नहीं सकते, विर्चो आपको पता है विर्चो ने क्या किया था, स्पेंसर का भी कोई काम नहीं है, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है, ई के हैकल सीधे सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे बात को, ठीक है। चलिए अब थोड़ी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जान लीजिए, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला ही है आज के प्रश्न नए हैं, तुम लोग बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। ये आपका नया जो है, ये है एमपी पटवारी, जो कि आपको पता है एकलव्य बैच है एमपी पटवारी का 2022 का,
आप सबको पता है कि 75% पे एमपी के कोर्सेस हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको इस बात की जानकारी होगी कि 75% का सारे कोर्सेस मिल रहे हैं आपको आपके एमपी चैनल में। डेली लाइव क्लास है, क्लास पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट है, डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज है। अगर आप एमपी पटवारी का बैच लेते हैं तो जो बच्चे अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि ये एकलव्य बैच है और यहाँ पे क्लासेस चल रही है आपकी पटवारी की। ठीक है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, डेली लाइव क्लास आपको मिलता है यहाँ पे। दूसरा एमपी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का नर्मदा बैच चल रहा है। लाइव क्लासेस है, क्लास पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर पेपर है और डाउट सेशन है, यानी ये सारी फैसिलिटीज है अगर आप नर्मदा बैच लेते हैं तो। ठीक है, ठीक है ना ज्योति, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। गुड आफ्टरनून सविता, बहुत दिनों बाद आए हो आप। हाँ, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, थोड़ा लेवल ऊपर है, मैंने बोला ना पीजीटी लेवल का है, तो कोई बात नहीं, दोनों प्रैक्टिस होंगी। ये कोर्स आपका 599 का है, एमपी 75 कोड लगाना है और ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, 75% ऑफ पे है। इसके बाद तुम्हारा मेघदूत है जो कि स्टेनो का बैच है, 499 का, एमपी 75 कोड इसमें भी लगेगा, 499 का बैच पड़ेगा, इसमें भी सेम फैसिलिटीज है, यानी डेली लाइव क्लास है, क्लास पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, करंट अफेयर है, मॉक टेस्ट है और स्टडी प्लान है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आई गेस जो भी बच्चे हमारे एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे हमारे क्या बोलते हैं जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए? अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग माधुरी। माधुरी हमारे पास लग रहा है दो है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एमपी पीएससी प्रीलिम्स में कालिदास बैच है जो कि 1499 का है, 75% ऑफ पे आपको ये बैच मिल रहा है। ये सारी बैच की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दे रही हूँ कि भाई ये बैच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो आप उससे शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका आचार्य बैच है, पीडीएफ आप सारे बच्चों को मिल रही है। अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं मिल रही है, ध्यान दीजिएगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपी चैनल का टेलीग्राम लिंक पड़ा होगा, चेक कर लीजिए और हाँ याद से उसको ओपन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके सारी क्लास की पीडीएफ वहां पे जा रही है। जरा एक बार चेक करिए डिस्क्रिप्शन पे क्या पीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ आ रहे हैं, वेरी गुड प्रियंका, देखो प्रियंका बोल रही है पीडीएफ आ रहे हैं, तो एक बार जरा आप भी चेक कर लो बच्चा लोग कि आप लोगों के पास अगर किसी कारणवश पीडीएफ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक होपफुली होगा, चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो बताइए। ठीक है, अगर नहीं है तो बताइए, अदरवाइज अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रियंका लिंक बता दो इन लोगों को कि एमपी चैनल का लिंक क्या है टेलीग्राम का, बच्चे उससे जुड़ जाएं ताकि वो डेली अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर सके, है ना, मिल सके उन्हें पीडीएफ। तो ये आपकी टीम है जो आपको एमपी आचार्य बैच के लिए पढ़ा रही है, टेट के लिए। आप सबको पता होगा कि आचार्य बैच में ये सारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, डेली क्लास हो रही है, होपफुली सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता है ये टाइम टेबल है आपका। ठीक है, सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाने आते हैं, आज कौन सा डे है भाई, आज तो मंगलवार है, तो सुनील सर कैसे पढ़ाने आए, सुनील सर की आज क्लास हुई है थर्सडे फ्राइडे ना, हो सकता है सर ने किसी की क्लास ली हो, है ना, ये ले सर आज इसका मतलब नहीं आए। तो ये सारे टीचर्स हैं जो कि तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम्हारे एमपी टेट के लिए, समझे बात को। आवाज आ तो रही है, क्या हुआ आवाज नहीं आ रही है, क्या क्या वो मनीषा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, अनु आ रही है आवाज, एक बार बता दो सरा आ रही है, ठीक है बिंदु। तो ये सारे टीचर्स हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं तुम्हारे एमपी टेट के लिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है रेड्यूला क्या है, व्हाट इज रेड्यूला। देखिए एक हिंट देते हैं, एक ये कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं हम हिंट नहीं देंगे, हिंट देंगे तो सीधे सीधे आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो बताओ रेड्यूला कहाँ है, तुमने रेड्यूला सुना होगा। ठीक है कृष्णा बोल देंगे, कृष्णा कि भाई पीडीएफ बच्चों को मिल जाए टाइम से, ठीक है आज पहुंच जाएंगी तुम्हारे पास। रेड्यूला ये कहाँ सुना है, कहीं सुना है रेड्यूला, जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा,
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा और मोलस्का पढ़ा होगा. इसमें मोलस्का, इतना हिंट दे रही हूं कि मोलस्का में तुमने सुना है. अब तुम आंसर दे लो, जो मोलस्का का और जो एनिमल है वो यहाँ पे है. वेरी गुड सविता, बहुत बढ़िया रजनी. ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पाचन तंत्र है पाइला का. ये क्या है, पाचन अंग है, इसका ध्यान रखिएगा. यानी किस में पार्टिसिपेट करेगा, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, समझिए आप. क्योंकि पाइला कैसा होता है, महाभदि होता है, जो अपने रेडुला दांत की सहायता से क्या करेगा, रेडुला दांत की सहायता से पौधे को खाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पाचन तंत्र. ठीक है, कल जो प्रश्न थे पांच होमवर्क पे दिए थे वो कर लिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई थी. हाँ बिल्कुल, ये मोलस्का ग्रुप में आएगा, मोलस्का जो कि आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है. ठीक है, अगला कह रहा है मेड्रेपोराइट. रुकिए इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, मुझे भी ऊपर से नहीं दिखता है. ये किससे संबंधित है, मेड्रेपोराइट किससे संबंधित है, चलिए बताइए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अगेन हम बोल रहे हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा इकाइनोडर्मेटा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा है. इकाइनोडर्मेटा, वहां पे आपने ये शब्द सुना है, इकाइनोडर्मेटा में आपने ये शब्द सुना है. अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. बेटा एसएसटी का क्लास पता करके बता देंगे. सोनम नहीं हो रही है क्या एसएसटी की क्लास? हाँ, एसएसटी का कोई टीचर अभी नहीं होगा ना, देखती हूँ. हाँ सोनम, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे ताकि यही से तुम्हारा पेपर पूरा फंसे. ठीक है, चलो बता दो. बच्चा बोल रहा है सी, बहुत बढ़िया भाई. सविता बहुत बढ़िया, बिंदु बहुत बढ़िया, मनीषा बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. स्टार फिश, आपको पता है स्टार फिश में जो वाटर सर्कुलर, जो वाटर सिस्टम होता है वो कहलाता है, वो मेड्रेपोराइट कहलाता है. समझे बात को, जल संबंध तंत्र से संबंधित है. ठीक है, इसी छिद्र में होकर समुद्री जल किसमें जाएगा, संवहनी तंत्र में जाता है. हरित ग्रंथियां किसका उत्सर्जी अंग है, ये तो मुझे याद है, तुम लोगों ने शायद अभी किया है, ए अभी कहीं ना कहीं ये प्रश्न आया था. हरित ग्रंथि, हरित ग्रंथि कहीं ना कहीं ये प्रश्न अभी हम लोगों ने किया है, किसी ना किसी क्लास में मैंने हरित ग्रंथि कराई है, मुझे याद आ रही है. ग्रीन ग्लैंड, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ग्रीन ग्लैंड हमने अभी पढ़ी है. चलो हिंट दे देते हैं, हिंट चाहिए तो हिंट देंगे तो पकड़ोगे तो नहीं, पकड़ तो लोगे. खैर तुम लोग चलो बताओ फिर मैं बताती हूँ. ठीक है, वैसे आपको पता है ये भी फाइव किंगडम से है, अगर आपको पता हो तो. जो आपका ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा से संबंधित प्रश्न है. गलत, केचुआ नहीं होगा, केचुआ नहीं होगा, उत्सर्जी अंग है ये. बताइए हरित ग्रंथियां, सबसे बड़ा जगत है ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा जगत क्या कहलाता है, ऑर्थोपोडा, कीड़ों वाला है ना, कीड़ों वाला संघ कहलाता है ये, ध्यान रखिएगा. मस्क्यूलर सिस्टम विकसित होता है, कौन सा वो पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना. आपको पता है कॉकरोच के बारे में आपने पढ़ रखा है, इनका हृदय कैसा होता है, लंबा होता है, संकुचनशील होता है, इनका हृदय लंबा संकुचनशील होता है. अब बता दो, अब तो आंसर बता दोगे. एंटीना पाए जाते हैं, क्या बता रहे हैं भाई बच्चे, ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, प्रॉन, वेरी नाइस. जो बच्चे ए बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है. ठीक है, याद रखिएगा इसमें कीट आते हैं, जितने कीट होते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे. ठीक है, समझे बात को. इनका जो कह सकते हैं, इनका जो श्वसन है वो बुक लंग के द्वारा और ट्रैकिया के द्वारा होता है. पता है ना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसके श्वसन अंग कहलाते हैं, ये इसके श्वसन अंग है, बहुत पूछे जाते हैं.
क्यों बच्चों? बुकलंग का नाम आपने सुना है पहले कभी? जल्दी से बताइए, बुकलंग सुना है? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स या हरित ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में हरित ग्रंथि भी लिखकर आ सकता है और मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स भी लिखकर आ सकता है। मैल्फीजियन, ठीक है, ये भी लिखकर आ सकता है, दोनों नाम लिख के आ सकते हैं। समझे बात को? ठीक है सविता, ये याद रहेगा, बुकलंग ट्रैकिया, बिल्कुल ये आपका पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड आपका हरित ग्रंथि और मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे और सारी सेल्स भी होती है, वो आपको आगे बता देंगे जब आएगा आगे। स्पंज में फ्लैजिला युक्त कोशिकाएं हैं, स्पंज जो कि आपको पता है किसमें आएंगी, पोरीफेरा में आएंगी। स्पंज तुम कहां पढ़ते हो? सबसे पहला फाइलम, पहला फाइलम, पहला संघ जो तुम्हारा है उसका नाम है पोरीफेरा। क्या नाम है? पोरीफेरा, जिसमें तुम स्पंज के बारे में पढ़ते हो। चलो बता दो, आपको पता ये किसमें आएंगे? इनवर्टिब्रेटा में आएंगे। अकशेरुकी हैं ये, कैसे हैं? अकशेरुकी हैं, ठीक है। और ये किस किंगडम में आता है? एनिमल किंगडम में आता है। चलो बता दो जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी तुम्हें पता है। फ्लैजिला युक्त कोशिकाएं कौन सी कहलाती हैं? आपसे कह रहा है फ्लैजिला युक्त कोशिकाएं कौन सी कहलाती हैं स्पॉन्ज में? हाँ, क्या आंसर आ रहा है भाई? बी, ए, गलत है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, वंदना, भानु, देवी, बिंदु, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मानते हैं आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए कि क्या कहलाएगा। सारे बच्चे बता दीजिए, आपको पता है ये कैसे जंतु होते हैं? ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु हैं, बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं, पहली चीज। और आपको पता है ये किसी सबस्ट्रेट से चिपके रहते हैं, है ना? ये कैसे होते हैं? ये आपके किसी सबस्ट्रेट से चिपके होते हैं, है ना, या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं, किसी ठोस पदार्थ पर या चट्टान पर पाए जाते हैं। हम पूरी फेरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी सेल्स का नाम भी आपको बता देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। इनकी आकृति अनियमित है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी जो आकृति है वो अनियमित होती है, हालांकि बेलनाकार अंडाकार भी होती है, अनियमित होती है। ये हम पोरीफेरा की बात करें, जो संघ हमारा पोरीफेरा है ये उसकी बात हो रही है। और आप क्या जानते हैं पोरीफेरा के बारे में? ऐड करिए, बिल्कुल बेटा जब होंगी आपको बता देंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। बिल्कुल, इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं सविता, जिनको हम छिद्र बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं पोरीफेरा में? इनका शरीर कैसा होता है बताइए, इनका शरीर कैसा होता है? साइकोन, बिल्कुल साइकोन है बेटा, ठीक है, साइकोन, वेरी नाइस। स्पॉन्जिला, साइकोन, यूकेलिप्टस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको पता है इनके शरीर भित्ति में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जैसा कि सविता ने बताया कि इनके शरीर भित्ति में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी शरीर भित्ति में, जिनको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, शरीर भित्ति में ऑस्ट्रिया कभी कभी पेपर में आता है, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको पता है जो इनका आगे का हिस्सा होता है उसमें एक बहुत बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। सुना है आपने ये वर्ड? सुना होगा ऑस्क्यूलम, क्यों बच्चों? सविता, बिंदु, सुना है आपने ऑस्क्यूलम, जिसमें एक बहुत बड़ा छिद्र आगे की तरफ पाया जाता है, उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुना है, बहुत बढ़िया, ऑस्क्यूलम। स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखेंगे ताकि स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये द्विलिंगी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये द्विलिंगी कहलाता है। और जो हमारी याद रखिए, द्विलिंगी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये द्विलिंगी है, ठीक है। और जो हमारे कोशिकाएं होती है फ्लैजिला युक्त, वो कोइनोसाइट्स कहलाती है, ठीक है, कोइनोसाइट्स कहलाती है, ना कि पोरोसाइट। आप लोगों ने सोचा कि इसका जो पोर्स पाए जाते हैं इसलिए पोइनोसाइट कहलाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। वह कंकाल से शरीर बना है और कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं हैं जिनको स्पिक्यूल्स कहते हैं। तो ये भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, वह कंकाल से बनता है शरीर, ठीक है, कांटे जैसी संरचना है जिसको हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज्यादा ही हो गया। कौन सा एक रक्त चूसक है? बहुत बढ़िया, बता दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं तो मामला गड़बड़ है भाई। ये कौन सी हमारी उसमें आएगा, फाइव किंगडम में चार ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन एकदम सही है। हमें पता है कि ब्लड सकर कौन कहलाता है। इट्स वेरी 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 इजी, बहुत ही आसान प्रश्न है, फाइव किंगडम से है, हिरुडिनेरिया उसका साइंटिफिक नेम है। वेरी नाइस मीना, बिंदु, भानु, बहुत बढ़िया रजनी, हिरुडिनेरिया, वेरी नाइस। क्या जानते हैं आप इसके बारे में? कौन बच्चा मुझे बताएगा क्या जानता है? किस ग्रुप में रखे गए हैं बताइए, कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट्स हैं, है ना, एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं ये जंतु। जरा बता दो कि ये किस में रखे गए हैं, कौन सा फाइलम है? ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, निमेटोडा, प्लेटिल हेलमिंथस, किस में रखे गए हैं? सविता गलत, जोंक बोलते हैं इसको, एब्सेंट होता है, नहीं होता है इसमें, सीटा भी नहीं पाया जाता बेटा। जोंक है, जोंक, जो कि तुम्हें पता है किसमें रखी गई है, एनिलिडा, बहुत बढ़िया चंद्रमणि, वेरी नाइस। प्लैटिल हेलमिंथस नहीं है रजनी, प्लैटिल हेलमिंथस में सारे चपटे, जितने फ्लैट वॉर्म्स, नहीं सविता, जो तुम्हारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जैसे टेप वॉर्म, वो रखा गया है प्लैटिल हेलमिंथस में, वो चपटे क्रमी जितने होते हैं वो सब प्लैटिल हेलमिंथस में है, गलत, एनिलिडा होगा, ठीक है। कैसे हैं? स्वतंत्र जीवी है, कैसे पाए जाते हैं? स्वतंत्र जीवी पाए जाते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय, त्रिस्तरीय होते हैं। जोंक की बात हो रही है, अनेक खंड में इनका जो शरीर है वो अनेक खंड में डिवाइड होता है। आई थिंक इतना काफी है, इनका जो पूरा जीवन काल है, क्योंकि वो रक्त ही चूसते हैं तो रक्त पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, चले आगे। मयंक, अच्छा जो बच्चे जुड़े हो सर एक बार लाइक कर दो वीडियो को, हाँ इतना कहना पड़ता है। फ्री पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट कह सकते हैं, मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक बार जरा वीडियो को लाइक भी कर दो यार, कहना पड़ता है। हाँ ये है कि इसमें कभी कभी छोटे 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 सीटा नाम का एक है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, बटा होता है, छोटे छोटे कांटा जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? सिल्वर लाइन तंत्र किससे संबंधित है? सिल्वर लाइन तंत्र किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जहां आपने प्रोटोजोआ पढ़ा है आप उत्तर दे ले जाएंगे, अगर आपने प्रोटोजोआ पढ़ा है आप उत्तर को दे ले जाएंगे, ठीक है। बता दीजिए जल्दी से, सत्य केंद्रक का अभाव होगा, आपको पता है साइकोन किस में आ गया, पूरी फेरा में आ गया, साइकोन पूरी फेरा में आ गया, काट दो इसको, ये नहीं होगा। अब बचे तीन ऑप्शन, सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित कहता है, क्या मतलब कौन कहलाता है? सत्य केंद्रक एब्सेंट होता है, प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करता है, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जितने बच्चे जुड़े हैं बिल्कुल है,
बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। सी 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 वंदना रजनी, और कौन है भाई, रजनी वंदना देवी, देवी का तो गलत है। और खैर तुम लोग किस, अच्छा हाँ जो सी बोल रहा है कौन बोल रहा है, प्लाज्मोडियम नहीं है सविता, पैरामीशियम है, पैरामीशियम यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ कहलाता है। और प्लस इनके पास सिलिया होते हैं, पता है ना आपको, इनके पास सिलिया पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है इनके पास सिलिया होता है जिसकी सहायता से ये गति करता है। और इनका अपसिस्ट, जो इनका अपसिस्ट जो मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट अंग है, वो अपशिष्ट पदार्थ जो त्याग करता है, अपशिष्ट अंग कौन सा पाया जाता है पता है आपको, पैरामीशियम की अगर हम बात करें, सी होगा, एकदम सही है जो बच्चे सी बोल रहे हैं, बी गलत है, सी ही ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। सिलिया होता है मूवमेंट के लिए, जिससे फूड होता है उसको बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूवमेंट में हेल्प करता है, गति करने में हेल्प करता है सिलिया। जैसे अमीबा के पास स्यूडोपोडिया है, पैरामीशियम के पास सिलिया है, अमीबा और उसके पास यूग्लिना के पास फ्लैजिला है, ठीक है, और सारे ही यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है तुम्हारा पैरामीशियम, ठीक है, जो साइटो पाइज नामक अंग से क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करेगा। ये क्या है भाई, अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लैन्यूला, प्लैन्यूला किसकी लाइफ साइकिल का लार्वा है, प्लैन्यूला लार्वा के बारे में बात हो रही है, प्लैन्यूला प्लैन्यूला लार्वा के बारे में बात हो रही है, किस साइकिल का है बता दीजिए, किसका जीवन काल का ये पार्ट है, जो भी है उसको हम समुद्र फर के नाम से भी जानते हैं, एक ये हिंट है, चलिए बता दीजिए, उसको हम समुद्र फल के नाम से भी जानेंगे, अगर आपको पता हो, एक शाखित एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जीवन चक्र होते हैं, प्लैन्यूला हो गया, और एक और शब्द आपने सुना होगा, अगर उस शब्द से आप थोड़े से फैमिलियर होंगे, गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला सुना होगा, ठीक है, तो ये जो संबंधित है ये तुम्हारा ओबेलिया से संबंधित है, बहुत बढ़िया वंदना, आपने गैस्ट्रूला भी यहां सुना होगा, गैस्ट्रूला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वंदना एकदम सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है उसको क्या कहते हैं, जंतु, अंतु लिखा है, जंतु होगा, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, आपसे ये कह रहा है बता दीजिए, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, जो नहीं हो सकता उसे काट दीजिए, बताइए जल्दी से क्या कहते हैं, रजनी, ये किसका उत्तर दे रही है रजनी, आपने किसका उत्तर दिया है, ये क्या होगा करेक्ट आंसर, मंजू, रजनी, बिंदु, शशि, बी, नहीं इकोलॉजी होगा नहीं, एनवायरमेंटल से संबंधित है, एटमियोलॉजी का भी मतलब नहीं है, एथ्रोबियोलॉजी भी नहीं है, इथोलॉजी है, इथोलॉजी क्या है, इथोलॉजी, जब तुम इस वर्ल्ड को तोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारी पारिस्थिति को स्वाभाविकी कहलाती है, यानी इथोस शब्द से बना है, इथोस जिसका अर्थ है प्रकृति, है ना, इथोस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है हैबिट या प्रकृति का स्वभाव, जिसका अर्थ क्या होता हैबिट या प्रकृति का स्वभाव। फिर क्या है, पॉलीडेनाइलेशन इन्वॉल्व करता है, ये तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको हटा देते हैं, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन क्या कहलाता है, वो वाला प्रश्न हटा दिया है क्योंकि मे भी तुमने ना पढ़ा हो, ये बता दो चित्रात्मक प्रदर्शन क्या कहलाता है, जिसमें हम गुणसूत्र के विस्तृत और चित्रात्मक अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये बता दीजिए, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा 110% ये पढ़ा होगा कि वो क्या कहलाता है, कैरियोटाइप तो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो कि 23 है, 22 हमारे कहलाते हैं आलिंग क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं ऑटोसोम, और 1 कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, 1 क्या कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं एक्स 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 वाई कहते हैं, है ना,
और हम जो इसको व्यवस्थित करते हैं यहाँ पे आई मिसिंग है, इडियोग्राम बोलते हैं उसको, इडियोग्राम, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 14th का बी होगा, 14th का बी, ना कि डी। डी क्यों बोल रहे हो? क्रोमोग्राफ नहीं कहलाता, क्रोमोग्राफ नहीं है, कार्डियो भी नहीं है, ईडीओ है, ठीक है, ईडीओ कहलाता है। कैरियोटाइप होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द नंबर ऑफ दिस सिमिलर टाइप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इडियोग्राम। अगला कह रहा है सेट क्रोमोसोम मानव जीनोम में होते हैं, सेट क्रोमोसोम बता दीजिए जल्दी से, सेट क्रोमोसोम कौन कौन से होंगे ये बोल रहा है, मतलब वही वाले जो इक्वल है, एक जैसे हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम ही डिफरेंट होता है, बाकी तो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, यही सेम दिख रहा है, 13, 14, 15, 21, 22, 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है, ये आपके जीनोम कहलाते हैं। अगला कह रहा है कि जो ये मॉन्टेनियर है और गैलो है, इनको क्या प्राप्त करने पर श्रेय दिया जाता है? अगर आपने कभी पढ़ा हो इनके नाम, अगर आपने नाम पढ़े हैं तो बता ले जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। क्या किस इन्होंने क्या किया था ये बताना है आपको, बता दीजिए जल्दी से, इन्होंने क्या किया था, ढंग से देखिए, मे बी आप बता ले जाएं। एड्स विषाणु, ये एड्स लिखा हुआ है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु, ठीक है, ये विषाणु लिखा हुआ है, और पोलियो विषाणु या टी टू फेज, करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए। ए वंदना बोल रही है, ए भाई भाई एक ही बच्चे ने सही उत्तर दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिए कि आपने ये नाम सुना है पहले कभी। आपको पता है इस रोग का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, इस रोग का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ओहो, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इनको इसी का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। जीन संचारित रोग है ये, संक्रामक रोग कहलाता है, अर्जित प्रतिरक्षा नष्ट होने का उदाहरण है। प्राथमिक अंड कला होती है, प्राथमिक अंड प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोली जा रही है, कौन सी कहलाती है? सीधे सीधे उत्तर है इसका, सीधे सीधे उत्तर दे दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, लेयर्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अदनान, रजनी, वंदना, मंजू, चलो जल्दी से उत्तर दे दो, 16th कौन से वाले में है? बहुत बढ़िया भैया, हाँ जी, क्या कहलाएंगी? जोन सी, बहुत बढ़िया। देखिए जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं, भानु, रजनी एंड देवी, बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन त्रि स्त्रीय जंतु है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, भाई डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने पढ़े होंगे, कुछ एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, कुछ एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो भाई त्रि स्त्रीय जो एनिमल है वो हिरुडिनेरिया है, एस्कैरिस है, टीनिया सोलियम है, ये सारे हिरुडिनेरिया जो कि आपके एनिलिडा को बिलोंग कर रहा है, एस्कैरिस जो कि आपके किसको बिलोंग करता है, निमेटोडा को, हाँ, और जो टीनिया सोलियम है वो आपके प्लेटिल हेलमिंथस को बिलोंग करते हैं। तो त्रि स्त्रीय बताने हैं, जल्दी से बता दीजिए, त्रि स्त्रीय क्या सारे कहलाएंगे? सोच समझ के बताइएगा, क्या सारे कहलाएंगे त्रि स्त्रीय ट्रिप्लोब्लास्टिक? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनीषा, वेरी नाइस। देखिए मनीषा ने सही उत्तर दिया है कि ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, समझे बात को, ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, समझे बात को, सारे ही कहलाते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी शरीर में जो इनका जो जर्म स्तर है, जो इनका जर्म स्तर है वो तीन लेयर, अगर आपने कभी नाम सुनी हो, 110% सुनी होगी, एक्टो मीजो एंडो, सुनी है, एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, कह दो कि सुनी है, ये मत कहना कि नहीं सुनी है, ठीक है। ये तीनों हिंदी में भी ऐसी लिखी जाती हैं, इसी से बना होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिस्त्रीय, त्रिस्त्रीय कहते हैं, ठीक है। सारे प्लेटिल हेलमिंथस संघ इसी के अंदर आएंगे, ठीक है, कीड़े के समान अखंडित जंतु होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तीनों लेयर जो जर्म स्तर की लेयर कहलाती है, बहुत बढ़िया सविता, वेरी नाइस, एटोमीजो एंडो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है एंडो पैरासाइट कौन है? एंडो पैरासाइट कौन नहीं है भैया, क्या है, कौन सा जंतु नहीं आएगा इसमें से, कौन सा जंतु समूह आंतरिक नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है, नहीं की बात हो रही है, कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, यानी परजीवी जंतु कहलाएंगे ना,
नॉट होगा यहाँ पे, नॉट एंडोपैरासाइट्स, कौन सा नहीं है बता दीजिए, कौन सा नहीं है भाई, तीन एक जैसे हैं, एक अलग होगा, तीन एक जैसे हैं, एक अलग होगा, बता दीजिए, बाकी तीन कैसे होंगे, परजीवी जंतु होंगे, है ना, जो तीन एक जैसे होंगे वो परजीवी जंतु कहलाएंगे। एक ऐसा है जो तुम्हारा एंडोपैरासाइट नहीं है, बाकी कैसे है, परजीवी जंतु कहलाएंगे। थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस प्रश्न में, अभी के लिए आप सी को रखिए, पर थोड़ा डाउट हो रहा है, थोड़ा आप भी उत्तर दीजिए जरा। ट्यूबरेशिया ही आप लिख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ट्यूबरेशिया है, क्योंकि स्पोरोजोआ और सेस्टोट्स एंड ट्रिमेटोड्स ये एक संघ के परजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसमें यही होना चाहिए। पैरापोडिया किससे संबंधित है, बहुत आसान है, पैरापोडिया फॉल्स फीट किससे संबंधित है, परिसंचरण से यानी सर्कुलेशन से, रेस्पिरेशन से, लोकोमोशन से या रिप्रोडक्शन से। अब बताओ इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है, इससे आसान कुछ हो सकता है। चंद्रमणि इधर से वीडियो क्वालिटी एकदम सही है, तुम्हें वहां से बढ़ानी होगी, तुम्हारी तरफ से वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, यहां से एकदम सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, पैरापोडियम या स्यूडोपोडिया या पैरापोडिया आपको पता है गमन में प्रयोग होंगे, सीधे सीधे गमन मूवमेंट। कह रहा है पेरिपेटस, अरे बहुत ही बढ़िया प्रश्न, पेरिपेटस किससे बिलोंग करता है, तुमने ये पढ़ा है, कौन से क्लास से ये बिलोंग करता है, परिपेटस, पेरिपेटस जल्दी से बताएं, पेरिपेटस 110% तुमने पढ़ा है, बता दीजिए किससे बिलोंग करता है, क्रस्टेशिया से, ऑनिकोफोरा से, इंसेक्टा से या एरेक्निडा से। इसमें ऑर्थोपोडा के क्लास भी लिख दिए हैं, परेशान ना होइएगा, ठीक है, बता दीजिए कौन है ये, क्या है, एनिलीडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी है, ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी है, यानी कि अब तो आंसर समझ में आ जाना चाहिए, ये बीच की कड़ी कहलाता है, ठीक है, और आंसर क्या होगा, ओनिकोफेरा, ठीक है, ओनिकोफेरा, वेरी नाइस अदनान, लेकिन तुम बहुत लेट आयो, ठीक है, इसी में ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितने निम्न वर्गीय ऑर्थोपोडा हैं, कैटरपिलर लाइक जंतु कहलाते हैं, इसमें पंजे युक्त समखंडीय जोड़ीदार पाद, सिर, दो एंटीना और श्वसन के लिए ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। बाई वेल्विया को हम क्या कहते हैं, ये जो क्लास है बाई वेल्विया, इसको और किस नाम से जानते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, बाई वेल्विया क्लास को हम और किस नाम से जानते हैं। अच्छा, वेरी नाइस अमर, लेकिन तुम लोग आज क्यों आयो, डेली क्लास होती है, तुम्हें तो डेली आना चाहिए, डेली आपका क्लास होता है यहाँ पे, आज आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, डेली की, डेली क्लास की टाइमिंग क्या है, 3 बजे की है, 3 बजे डेली एमपी पे क्लास होता है और 5 बजे बिहार चैनल पे होता है, तो तुम्हें तो डेली आना चाहिए, तुम लोग आज ही क्यों लिख रहे हो, मैम मैं आ गया आज, मैम मैं आ गया आज। चलो बताओ भाई, बाई वेल्विया किसको कहते हैं, सीधे सीधे इसको जान लो, बहुत ज्यादा इसमें तो नहीं पूछेगा, इतना टफ भी नहीं पूछेगा, पैलिसिपोडा को बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट 110% सुना होगा, डिफेंस के काम आता है, अटैक के काम आता है, बैलेंस के काम आता है, जल्दी से बता दीजिए, जरूर सुना होगा आपने कि स्टेटोस्टेट कहाँ पे पाया जाता है, अगर आपको पता हो ये प्रॉन में पाया जाता है, प्रॉन में पाया जाता है, चलिए प्रॉन जो कि आपका किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है, झींगा मछली इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, झींगा मछली कहते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए ये कैसा होता है, अच्छा ओके अमर, ये खोखला थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेटोसिस्ट, जो कि आपके प्रॉन यानी झींगा मछली में पाया जाता है, और ये संतुलन का काम देगा, बैलेंस का काम करता है, ठीक है, 25 प्रश्न हम आज करेंगे और 2 फिर से होमवर्क देंगे। कार्डियक साइकिल की जो स्टार्ट होती है वो शुरुआत कहां से होती है, कार्डियक चक्र की शुरुआत कहां से होती है, बता दीजिए जल्दी से, सबसे पहले क्या सिकुड़ेगा,
कार्डियक साइकिल क्या सबसे पहले सिकुड़ेगा, जल्दी से बताएं, क्योंकि खुलेगा तो नहीं, सिकुड़ेगा ही है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा, हा, वेंट्रिकल सब कुछ होगा ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी नाइस। अगला प्रश्न कह रहा है श्वसन की कड़ी लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है पाइरूविक अम्ल का बनना, एसिटाइल को एंजाइम का बनना, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम का बनना, या सक्सेनिक अम्ल का बनना, या आइसोसिट्रिक का बनना। ये सारे तुमने साइकिल में पढ़ रखे हैं, पाइरूविक एसिड, सक्सेनिक, आइसोसिट्रिक, एसिटिल को एंजाइम, सब पढ़ रखा है। मतलब तुम लोगों ने जब जीवन चक्र पढ़ा होगा तो तुम लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे। तो बता दीजिए क्या होगा, ये आखिरी प्रश्न है आज का, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में पूछा जा रहा है एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होगा। समझे बात को, किसका निर्माण होता है, एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है, समझे बात को। यस, अब आगे के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, आपको मैंने कल भी होमवर्क दिया था, होपफुली आपने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, लेट आयो, क्योंकि मैं कितनी बार बताती हूँ कि 3 बजे की क्लास होती है आपकी, 3 बजे की, उसके बाद भी अगर आप लेट हो रहे हैं तो गलती किसकी है। आपको ये पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे ही सवाल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ठीक है, और प्लस आगे का जो सेशन होगा, आपको पता है अगली क्लास आपकी है, ठीक है, उस क्लास में जुड़िएगा और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और कल फिर से क्लास होगी जो कि आपके 3 बजे होती है एमपी टेट के लिए, यस, ठीक है। बायो के प्रश्न उत्तर हम करते हैं, उम्मीद है आपको प्रश्न उत्तर सारे समझ में आएंगे। आपका टाइम टेबल है ये आपके एमपी टेट का, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं एमपी टेट में, आचार्य बैच, फ्री बैच, ठीक है, तो फ्री क्लासेस बिल्कुल भी मत छोड़िए। और आज जो क्लास है वो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलेंगे कल आपसे ठीक 3 बजे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना सारी चीजें, ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर।